the rise and decline of India's Congress Party. ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है, अध्यक्ष जी मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और दुमाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी सुनो फिर, आदरणीय अध्यक्ष जी ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदि होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते रहे, कभी एक बात कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी कोई भी जीवंत संगठन होता है, अगर एक जीवंत व्यवस्था होती है जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, वे जनता जनार्दन में क्या चलता है लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है, उसे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले, मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे, क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया है।